नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। इंजीनियर रशीद जो इस वक्त एमपी बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, जेल में बैठ के, तिहाड़ जेल में बैठ के उन्होंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया। आज कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है, आज उनको अभी छोड़ दिया गया, आज जाकर वो शपथ जो है वो लेंगे। सबसे बड़ी बात, एक जीता हुआ आदमी जिनको सहानुभूति जो वोट था और लोगों ने दिया, कश्मीर के लोगों ने दिल खोड़ कर वोट दिया ताकि इंजीनियर शहीद जो है वो जेल से जो है वो बाहर आ सके और अपने लोगों की जो नुमाइंदगी है वो कर सके, यानी कि लोगों की जो बात है वो रख सके। उनके बेटे ने भी पुरजोर मदद की, पूरा जोर लगाया और पूरी आवाम ने जो था पूरा मदद की और कहीं ना कहीं उनको सहानुभूति जो वोट था वो भी मिला। लेकिन गनीमत जो अभी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कहा जाए, देखिए यहाँ पर जो सत्र है वो चल रहा है, लेकिन इंजीनियर शहीद जो है वो आज जाके शपथ जो है वो ले रहे हैं। इंजीनियर शहीद को तिहाड़ जेल में रखा गया था और वहीं से कहीं ना कहीं आज उनको लोकसभा में जाना है, यानी कि वहाँ जाकर शपथ ग्रहण जो है वो करनी है, यानी कि आज वो शपथ ले रहे हैं। अगर कहा जाए कि कानूनी प्रतिक्रिया से कहा जाए कि एक एमपी जीत चुके थे वो, लेकिन जब आज शपथ लेंगे, आज शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं वो एक लीगल तरीके से जीते हुए नुमाइंदे कहलाए जाएंगे। लेकिन वो लोगों ने जो वोट उनको डाला था, दिल खोड कर जो वोट था वो उसको उनको दिया था ताकि वो उनकी रिहाई हो सके और वो जेल से बाहर आ सके। इसी के साथ साथ इंजीनियर शहीद के साथ साथ अमृतपाल सिंह जो असम जेल में बंद था, उसको भी कहीं ना कहीं आज रिहा किया जा रहा है 4 दिन के लिए, वो भी आज शपथ लेंगे। यानी कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शपथ ले रहा है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमृतपाल को 4 दिन की जो है वो रिहाई दी गई है, 4 दिन की परोल पर वो शपथ लेने आ रहे हैं। लेकिन यहां कहा जाए, ये इंजीनियर शहीद साहब की बात की जाए तो इंजीनियर शहीद साहब अब वक्त कितना दिया है, NIA ने जब ये खबर निकल के आई थी तो मैंने ही ये खबर ब्रेक की थी, मैंने ये कहा था कि उनको मीडिया से बात नहीं करने दी जाएगी, लेकिन शपथ लेने के लिए आज 5 तारीख का वक्त है, आज वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। वक्त कितना है ये हमें भी नहीं पता, कितने वक्त के लिए उनको रिहाई मिली है, क्या वो अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि नुमाइंदा बनकर लोगों की बात जो थी वो सुन, अगर रशीद साहब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात जो है वो लोकसभा में उठा पाएंगे। और ये बात ये सब लोग जानते हैं, कश्मीर के लोग जानते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया, और कम से कम देखिए इन लोगों इस नुमाइंदों को जिताया। वहाँ से मैडम महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं हार गई, उमर अब्दुल्ला हार गए और इंजीनियर शहीद साहब जो थे वो वहाँ से जीत गए। सबसे बड़ी बात, सहानुभूति जो वोट था वो इनको मिला, सहानुभूति वोट इसलिए मिला ताकि ये लोगों की जो बात है वो रख पाए। बहरहाल पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन चलते ही आज इंजीनियर शहीद जो है वो आज शपथ लेने कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचेंगे और शपथ लेंगे। संविधान जिसको बचाने की बात की गई थी, अब शपथ लेंगे, अब इसके बाद इंजीनियर शहीद साहब किसी से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बात की बात है। बहरहाल मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, कहीं ना कहीं उनको आज शपथ लेने, आज 5 तारीख का वक्त है, आज शपथ लेने के लिए पहुँचना है। और इन्हीं के साथ मैंने पहले भी बताया, अमृतपाल सिंह जो असम जेल में है उसको भी वक्त दिया गया है आज शपथ लेने का। अगर कोई जेल में बैठकर जीत जाता है तो संवैधानिक तरीके से शपथ लेने के लिए तो उसको आना ही पड़ेगा। अमृतपाल सिंह को 4 दिन की परोल पर छोड़ा गया है और इंजीनियर शहीद साहब का वक्त हमें नहीं पता कितने वक्त के लिए उनको छोड़ा गया है, कितने वक्त के लिए ये अपनी शपथ लेने के लिए आएंगे, क्या किसी से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोकसभा स्पीकर से बात कर पाएंगे, उनको अपनी परेशानी बता पाएंगे, ये वक्त जब शपथ लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि इंजीनियर शहीद शपथ लेने जा रहे हैं आगे उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। जिन लोगों ने इनको मदद की है, जिन लोगों ने इनको वोट डाला है, इनके बेटे ने भी पूरी पुरजोर जोर लगाया और अपने पिता को जिताया और जीते इंजीनियर शहीद, लेकिन जेल से आज शपथ लेने आ रहे हैं। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।